I, Rahul Gandhi, will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Allow us to represent the voice of the people. एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा किरदार मिल ही गया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को। लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी अब एक मजबूत विपक्ष के प्रतिनिधि। 2024 से राहुल गांधी अब संसद में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता। पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक पद पर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष। 20 साल की सक्रिय राजनीति के अपने अध्याय में राहुल ने पहली बार किसी संवैधानिक पद को संभाला है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में राहुल गांधी के नेतृत्व और विपक्ष के प्रतिनिधित्व पर मुहर लगाई है। तो अब बात लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग के आगे बढ़ चुकी है। राहुल गांधी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब तक के 20 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, और यूं कहें कि ये एक ऐसा मौका है जब राहुल गांधी देश की राजनीति में अपने आप को एक बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएंगे। 2024 की लड़ाई में कांग्रेस भले ही 100 का आंकड़ा न पार कर पाई हो, और किसी ठोस रणनीति के बजाय कांग्रेस की कुल उपलब्धि इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों की शर्तों को मानने और ताल बिठाने की रही हो, लेकिन इसी संतुलन और संलयन के गुण ने कम से कम कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद तो दिला ही दिया। राहुल गांधी जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने, वेशभूषा से लेकर व्यवहार तक में राजनीतिक फुट बखूबी आ गया। सफेद टी शर्ट और पैंट झक सफेद कुर्ता पैजामा में बदल गई, और राहुल संसद की राजनीतिक औपचारिकताओं में खूब रमे दिखे। I invite श्री ओम बिरला to come up and occupy the chair. जैसे कि यहाँ स्पीकर ओम बिरला के चयनित होने के बाद जब पीएम मोदी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे, तो कुछ ही सेकेंड्स में राहुल गांधी भी ओम बिरला को शुभकामना देने के लिए पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पीएम मोदी ने राहुल को आगे आने को कहा। राहुल गांधी ने भी ओम बिरला से हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी, और फिर पीएम मोदी से भी शेक हैंड किया। फिर स्पीकर के आसन तक नेता सदन के रूप में पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सभापति ओम बिरला को छोड़ने गए। राजनीतिक औपचारिकताएं एक तरफ, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी नई जिम्मेदारी निभा पाएंगे? 99 सीटों के साथ क्या राहुल अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की 20 साल की राजनीतिक यात्रा में संशय और सवाल उनकी राजनीतिक परिपक्वता तक पर उठते रहे हैं। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन 2018 से 2024 तक के करीब 6 सालों में क्या वाकई कोई बदलाव हुआ? तो बदलाव ये हुआ कि जो कांग्रेस 2014 और 2019 में नेता प्रतिपक्ष का पद भी संसद नियम के मुताबिक गंवा चुकी थी, वो लौट आया है, और राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। पहले के मुकाबले राहुल ज्यादा स्थिर, संयमित, संजीदा और आक्रामक नजर आते हैं।
तो क्या यही वजह है कि राहुल पर विपक्षी दलों का भरोसा बढ़ा है और इंडी गठबंधन ने उन्हें अपना नेता चुना है? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज पॉलिटिकल पावर बट द ऑपोजिशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ इंडिया एंड दिस टाइम द ऑपोजिशन रिप्रेजेंट्स significantly more voice of the Indian people than it did last time. राहुल को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, शिवसेना उद्धव, लेफ्ट पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेएमएम समेत कुल 37 पार्टियों का समर्थन मिला है। राहुल गांधी, उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। लेकिन बात कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की भी है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या सदन के भीतर सिर्फ शोर शराबे या हंगामे तक सीमित रहेगी, जैसा कि संसद के दोनों सदनों में नीट के मुद्दे को लेकर हुआ? विपक्ष नीट पर चर्चा के लिए अड़ा रहा और सत्ता पक्ष भी चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार था। हंगामे की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जबरदस्त हंगामा किया गया। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ये रुख और रंग बता रहा है कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में है और विपक्ष भी ज्यादा संख्या बल के साथ सदन में सवालों के साथ हंगामा तालने को तैयार है। वैसे राहुल गांधी के फॉर्म में आने की एक बड़ी वजह यह है कि पहली बार वो किसी संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं। 54 साल की उम्र में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, जिसका वो भरपूर फायदा अपने आगे के सियासी करियर के मद्देनजर उठाना चाहते हैं। वैसे भी संसद में राहुल की सीधी टक्कर मोदी से होने वाली है। सच ये है कि जिस 99 सीटों के अंक को हासिल करके कांग्रेस भविष्य की सीढ़ियां तलाशने में लगी है, उससे करीब 2.5 गुना सीटें बीजेपी ने तीसरी बार मोदी के चेहरे के भरोसे जीती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो राहुल के सियासी कद को नापता है। मसलन मोदी के पास 3 टर्म देश की सरकार चलाने का अनुभव है, जबकि राहुल ने केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली। मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि ऐसा कोई भी अनुभव राहुल के पास नहीं है। मोदी संगठन में 0 से शिखर तक पहुंचे, जबकि राहुल को 2004 में सीधे सांसद बना दिया गया। मोदी अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, जबकि राहुल 2019 में अपनी सीट नहीं बचा सके थे। यही वजह है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे अनुभवी नेता राहुल गांधी की लीडरशिप पर शंका करते रहे। यहां तक कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद भी राहुल गांधी से प्रभावित नहीं हुई। लेकिन आज सच यही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी सुविधाएं और उनका दर्जा कैबिनेट रैंक के बराबर है।
नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के लिए जो सूत्र है वो है गहरी परिपक्वता, राजनीतिक समझ और सहयोग। ये जिम्मेदारी यकीनन बड़ी है और इस जिम्मेदारी ने बड़ी सुविधाओं और शक्तियों का बंच राहुल गांधी को दिया है। तो सबसे पहले बात राहुल गांधी को मिली शक्तियों की करते हैं। नेता प्रतिपक्ष कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है, मतलब ये कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिलकर कई फैसले लेंगे, दोनों की राय से फैसले लिए जाएंगे। पहली बार राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष पीएम मोदी के साथ बड़े अहम अधिकारियों के नियुक्ति पैनल में शामिल होंगे, जैसे चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सूचना आयुक्त, लोकपाल की नियुक्ति, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष का रोल होता है। जाहिर है अब विपक्ष की वो आवाज भी दब जाएगी जिसमें वो सरकार पर आरोप लगाती रही है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार विपक्ष को दबाने का काम करती है। राहुल गांधी को भारत सरकार के खर्चों का हिसाब रखने वाली लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी होंगे। इसके साथ ही ये भी राहुल गांधी को पता चल पाएगा कि भारत सरकार कितने पैसे किस चीज में खर्च कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मिलने वाली सुविधाएं भी अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होंगी। एक कैबिनेट मंत्री की तरह ही उनका निजी स्टाफ होगा, यानी जिम्मेदारी और कद के हिसाब से राहुल को वो सारी सुविधाएं पहली बार मिलेंगी जो अब तक उन्हें नहीं मिली थी। अब राहुल गांधी एक निजी सचिव, दो अतिरिक्त निजी सचिव, दो सहायक निजी सचिव, दो निजी सहायक, एक हिंदी स्टेनो, एक क्लर्क, एक सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के चार कर्मचारियों के भी हकदार होंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस तरीके से सरकारी बंगला मिलेगा। इसके साथ ही बंगले में राहुल गांधी का एक सचिवालय होगा जहां उनका एक दफ्तर होगा। राहुल गांधी सरकारी कामकाज के लिए पूरे देश में कहीं भी हवाई और रेल यात्रा मुफ्त में कर सकेंगे। राहुल गांधी की चिकित्सा की व्यवस्था भी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री रहेगी। लोकसभा के भीतर राहुल गांधी का स्थान स्पीकर के बाईं तरफ के रो में सबसे आगे होगा, यानी स्पीकर के दाईं तरफ बैठे प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी है। अब राहुल को यह साबित करना होगा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो हंगामा खेज माहौल बनाने के बजाय तार्किक रूप से सरकार से सीधे सवाल करेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी बड़ी जवाबदेही भी तय करती है। लेकिन क्या ऐसा होगा? I tried to raise it in parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future. And it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate. We want a debate. And we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया? क्या वास्तव में नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर मोदी सरकार चर्चा से बच रही है? आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके, सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है। और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार को घेरने का सूत्र ऐसे ही हंगामे है
और क्या ऐसे हंगामों से आगे किसी सकारात्मक सॉल्यूशन की गुंजाइश बनती दिखती है? लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की चुनौतियां कुछ और भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों को एक साथ बनाए रखना और संसद में बनी अपनी पुरानी इमेज को तोड़ना। अगर पिछले 16वीं और 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति 51% रही थी। इसमें उन्होंने 8 डिबेट्स में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने 99 सवाल पूछे थे। इसी तरह 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 52% रही थी। 14 बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन एक भी सवाल बतौर सांसद उन्होंने नहीं पूछे थे। फिलहाल तो राजयोग राहुल की कुंडली में आ गया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही सही, लेकिन कद, पद और जिम्मेदारी तीनों बढ़ी है। विपक्षी पार्टियों की उनमें रुचि भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। एक अलिखित सहमति बनी है, पर चुनौतियों से पार पाने के लिए राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों पर ज्यादा निर्भर हैं। रही बात आत्मविश्वास की, तो उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन यह कॉन्फिडेंस क्या मोदी को सीधी टक्कर संसद में दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।